खुश आमदीद। और आज भी हमेशा की तरह हमारा टेक्नोलॉजी की दुनिया से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बातें कर रही होती हैं उसके बारे में, लेकिन वक्त की कमी के बाद दो या तीन चीज़ें हम डिस्कस कर पा रहे होते हैं। असल मकसद ये कहने का तौसीक कि पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है, हर दिन नई नई इजादात हो रही हैं। आज क्या हमारे लेकर आई हैं हमारा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हाल आप दोनों का? बिल्कुल ठीक। ठीक ठाक, क्या सीन है? आज मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें लाई हूँ। नॉर्मल जो हम लोग फार्मिंग करते हैं, कन्वेंशनल जो फार्मिंग होती है वो एक लैंड पे होती है, हर किसी का अपना एक लैंड एसोसिएटेड होता है और उसमें जो है वो आप फार्मिंग करते हो डिफरेंट चीज़ों की, और खेती बाड़ी जो है वो होती है आपकी ट्रैक्टर से, फार्मर्स से। और इस तरह इसका न्यू कॉन्सेप्ट ये है कि अब वर्टिकल फार्मिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, और ये पाकिस्तान में भी स्टार्ट हो चुकी है। और इसमें ये कॉन्सेप्ट है जैसे आप एक लाइब्रेरी होती है और आपकी वर्टिकली बुक्स पड़ी होती हैं, इसी तरह जो आपके प्लांट्स हैं वो वर्टिकली ग्रो कर रहे होते हैं, ना कि वो लैंड पूरा ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं। यानी दीवार पे पौधे उग रहे हैं बिल्कुल। यूं करके यूं ये पिक्चर ओ यूं यस ओके ठीक है। और इसमें आप देख रहे हैं कि डिफरेंट पोजीशंस पे ये स्टैक हुए हैं, और इसमें जो है वो ह्यूमिड कंट्रोल है, प्रॉपर लाइटनिंग है, एलईडी लगी हुई है, और इस तरह की तमाम चीजें हैं जिससे जो है वो ये जो है एक प्रॉपर कंडीशन में जो है वो ग्रो करते हैं, और फसल जैसे ग्रो की जाती है। बिल्कुल जबरदस्त। इसमें आपको किसी ट्रैक्टर की जरूरत नहीं है, आपको इसमें किसी ये इसके एडवांटेजेस भी लिखी हुई हैं, और इसमें आपको रिलायबल ईयर अराउंड क्रॉप प्रोडक्शन है, जिस आपको इसमें कोई वो नहीं है कि इस महीने में या इस सीजन में जो है ये वाला फ्रूट आएगा, आप विद इन इंडोर जो है वो आपका एरिया जो है उसमें आप वो यानी लाइट और टेम्परेचर कंट्रोल्ड है। बिल्कुल, तो दिसंबर भी हुई है और अगस्त भी हुई है, बिल्कुल, और मार्च भी हुई है। बिल्कुल वो एक इन्होंने पूरा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट बनाया हुआ है जिसमें आपके प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं, और इसमें मोस्ट ऑफ ऑल आपकी स्पेस जो यूटिलाइजेशन है वो कम हो रही है, क्योंकि आपके स्टैक्स यूं करके हैं, मतलब वो एक उसमें ज़मीन पे नहीं है। फिर इसी तरह जो लेबर वर्क है वो आपका कम वो हो रहा है, क्योंकि ये कहाँ हो रहा है? कोई मुझे चीन जापान लग रहा है। नहीं, ये अपने कराची में हो रहा है। ये चीज स्टार्ट हो चुकी है, और इसमें ज्यादातर जो है वो कमर्शियली चीजों का जो है वो है। अब जैसे ट्रेडिशनली भी आप एक लैंड है, आप डिफरेंट फार्मर्स जैसे हमारी ज़मीनें होती हैं तो हम लोग रेंट आउट कर देते हैं कि आप इस पे उगाएं और वो सारा काश्तकारी करें और वो सारा कुछ करें। इसमें भी रेंटल बेसिस पे चीज़ें होती हैं कि अगर मैंने इसको ऑर्गेनाइज तरीके से इसको बनाया है और मेरी कोई कंपनी है तो मेरे पास लोग आ सकते हैं, फार्मर्स आ सकते हैं, वो अपना एक स्टैक रेंट आउट कर सकते हैं और उसमें अपने लिहाज से चीज़ें उगा सकते हैं, जैसे पार्किंग प्लाजाज होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इंटरेस्टिंग। अच्छा, किस तरह की फसलें उग रही हैं? इस हर किस्म की फ्रूट्स वेजिटेबल्स। हाँ, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हर किस्म की। तो अब आपको सर्दियों में आम मिल सकते हैं, गर्मियों में माल्टे मिल सकते हैं। बिल्कुल ये तो वाकई लेकिन अब ये सवाल है सबीन के, उसकी क्वालिटी पता नहीं कैसी होगी, क्योंकि नेचर का टेम्परेचर ठीक है और नेचर की जब बारिश हो रही है ये जमीन, अब पता नहीं इतने कंट्रोल में वो चौंसे का वो चस्का होगा बिल्कुल वो चस्का ले सकेंगे। हाँ, क्वालिटी के लिहाज से भी और हेल्थ के लिहाज से भी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जैसे ऑर्गेनिक लोग कहते हैं ना कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, आप वो जो ऑर्गेनिक एक चीज मिल रही होती है वो जो आर्टिफिशियल लाइट के थ्रू चीज नहीं मिल सकती आपका, जैसे बात है तो इसमें वो चीजें इन्होंने सारी उस मयार पे उतर के जो है वो इन्होंने फिर जबरदस्त भी, तो बहुत जबरदस्त। और आई एम हैप्पी कि पाकिस्तान में, और आप बता रही हैं कराची में, बिल्कुल, लेकिन इसको कहते हैं, इसको भी एक स्टीरियोटाइप कहते हैं कि पाकिस्तान से कुछ तरह की टेक्नोलॉजी वाली चीज है तो हमें यकीन ही नहीं आ रहा है ना। बिल्कुल, वेरी बैड, कितनी बुरी बात है, है ना। मैंने खुद ही क्या कि मुझे एकदम ख्याल आया कि ये क्या बात हुई, कहते चीन जापान से होगी। और देखिए मैंने मेंशन किया अपने कराची में, अपने कराची में, ये कराची में। अच्छा जी, आगे क्या है? अच्छा, आगे इसकी फर्दर जो है वो थ्री टाइप्स हैं, वो मैं स्लाइड्स पे दिखाऊंगी। अच्छा, सबसे पहली चीज है हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये कि ये नो सॉइल, मतलब इसमें कोई सॉइल नहीं यूज हो रहा, पानी और लाइट। जी, पानी और लाइट, आपका जो प्लांट्स हैं वो आपकी जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है उसको आप डिप करते हो रूट्स को उसमें वाटर में, और वो न्यूट्रिएंट्स उसमें से सक करता है। ऊपर आपकी एलईडी लाइट लगी हुई है और एक ग्रो ट्रे है जिसमें आपके प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, प्रॉपर टाइमर लगा हुआ है उसका, और न्यूट्रिएंट्स जो है वो आपने पानी में डाल दिए हैं जो आपके जो रूट्स है वो सक कर रहे हैं। ओके जी, और इसमें सॉइल का कोई इस्तेमाल नहीं है, यानी जो सॉइल से मट्टी से जो उसने न्यूट्रिएंट्स लेने थे वो आपने एक तरह से इंजेक्ट कर दिए हैं उस पानी के अंदर, वो वहां से असल
तो मकसद है वो न्यूट्रिएंट्स का लेना। बिल्कुल, अब आप देखें अगर सॉइल नहीं है तो पेस्टिसाइड्स और जितने इंसेक्ट्स हैं उनकी भी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, कि उनके लिए आपको जो केमिकल्स और एक्स्ट्रा चीज़ें जो यूज़ करनी पड़ती थी या प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता था अपने प्लांट्स का, वो उसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है एक्वापोनिक्स। एक्वापोनिक्स अब ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसमें फिश और प्लांट्स जो हैं वो एक कंबाइंड इकोसिस्टम में है। अच्छा, बिल्कुल, इसमें एक पॉन्ड है जिसमें फिशेस जो हैं वो ग्रो करती हैं और फिशेस का जो वेस्ट है वो आपके प्लांट्स में जाता है। किस तरह? उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अलग हो जाते हैं और पानी जो है वो अलग हो जाता है, और जो पानी है वो फिल्टर होके दोबारा फिश के पॉन्ड में आता है और वो प्रोसेस रिपीट होता रहता है। जबरदस्त, और ये सेल्फ सफिशिएंट है, ये खुद जो है वो एक पंप, हमें जैसे पिक्चर में हमने देखा था कि एक पंप है जो आप सक करता है, ठीक है, और आपके जो प्लांट्स के रूट्स हैं वो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए, जो गिजा चाहिए वो उसको मिल रही है, और जो आपका पानी है वेस्ट का वो दोबारा जो है वो फिल्टर होके फिश के पॉन्ड में जा रहा है एज अ क्लीन वाटर। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। वो देखें, वो जो एरोज आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, वो एरो से उधर गया, उधर से घूम के फिर लेफ्ट से होके फिर उधर से चला गया। वेरी नाइस, एक्वापोनिक्स। अच्छा जी, थर्ड ऑप्शन क्या है? थर्ड है एरोपोनिक्स। अच्छा, ये मोस्टली जो है वो स्पेस वगैरह उसमें यूज़ होता है, या बिल्कुल आपका कोई ऐसा लैंड है जो बिल्कुल मिस्ड आउट है या उस पर काश्तकारी नहीं हो सकती, तो उसके लिए ये बहुत बेस्ट है, क्योंकि इसमें जो है वो लेस वाटर और लेस सॉइल है, मतलब सॉइल तो कह रहे हैं बिल्कुल भी नहीं है लेकिन वाटर भी लेस हो गया है। किस तरह की? इसमें एक मिस्ड सॉल्यूशन है न्यूट्रिएंट्स का, उसमें आप सिर्फ प्लांट्स पे जो है वो उसके रूट्स पे स्प्रे करते हो, ठीक है, और हाँ, और इसमें जो है प्लांट्स आर हैंगिंग, मतलब वो आपकी जिस भी चीज में पड़े हुए हैं उसमें वो हैंग कर रहे होते हैं और आपकी रूट्स जो होती हैं वो हवा में होती हैं। जबरदस्त, जबरदस्त। और आपके पास जो मिस्ट न्यूट्रिएंट है आपका सिर्फ वो मिस्ट के थ्रू जा रहा है, जो ड्यूई से ड्रॉप्स होते हैं, दैट्स इट। कितने बिजनेस एंटरप्रेन्योरियल ऑप्शंस कितनी हैं, जो आप पहले बता रही थी कि आप अपना पूरा ये बिजनेस शुरू करें और फिर दूसरे फार्मर्स आके उसको रेंट आउट कर रहे हैं, तो पूरी मुझे तो फ्यूचर में इंडस्ट्री बनती नजर आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, दूसरी खबर क्या है? दूसरी चीज हमारे पास है ह्यूमनॉइड रोबोट, और इसका ये है कि इसमें जो न्यू चीज़ें, जैसे हम देख रहे हैं साइबर का दौर है और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, और एवरीबडी इज़ यू नो इसमें लगा हुआ है एक रेस में कि खूब से खूब तर चीज़ें बनाया जा रहा है। इस पिक्चर में अब आप देख सकते हैं साइबर वन ह्यूमनॉइड रोबोट है जो आपके पास उड़ता हुआ आ रहा है, इस जैसे ग्लाइड कर रहा है बिल्कुल ह्यूमन की तरह। अब इसका ये है कि ये ऐसी कंट्री ने बनाया है जो बहुत ही रीनोन है, और उसमें जो है इन्होंने इसको कंगफू जो स्टेप्स हैं वो भी सिखाए हैं प्रॉपर, ये कंगफू कर सकता है और ये आपसे ऐसे गुफ्तगू कर सकता है जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन आपके सामने बैठ के जो है गुफ्तगू कर रहा है। आप इससे कोई भी सवाल करेंगे तो ये आपको इंस्टेंट जवाब देगा, ये नहीं कि बिल्कुल रोबोट्स की तरह। ये क्यों बनाया गया, मेरा तो सवाल ये कंगफू सिखा दिया गया है, बातें भी वो आपसे कर रहा है और देखने में भी अच्छा। इसका थोड़ा सा ना वो हाउस होल्ड और हाउस हेल्पिंग और उस तरह के लिए, जैसे हम लोगों ने वेटरस रोबोट्स भी देखे हैं जो आपको जो है वो खाना वो सर्व कर रहे हैं, तो इसी तरह इसका जो है वो हाउस होल्ड के लिहाज से जो है वो है। कमर्शियल इसको किया जाएगा बस, लेकिन इसका जो मेन पर्पज है दैट इज फॉर हाउस कीपिंग और हाउस होल्ड। जैसे ये वेट लिफ्टिंग कर सकता है, 6 पाउंड्स एक एक हाथ में उठा सकता है, और इस तरह की जितनी चीजें वो कर सकता है। अच्छा, मैं 12-12 उठा सकता हूँ तो जितनी तनख्वाह नु देनी उस तो मैं नु नहीं, लेकिन आप कंगफू नहीं कर सकते ना, ही कैन बी अ गार्ड एज वेल, हो सकता है कर सकते हैं। आपको क्या पता, मैं नेवर नो, आपने ना कभी पूछा ना कभी मौका मिला, आपको क्या पता। लेकिन इसकी एक और खासियत है, ये 84 इमोशंस और सराउंडिंग्स में जितनी आवाजें हैं वो सुन सकता है जो आप नहीं सुन सकते। 84 इमोशंस एंड जो आपके सराउंडिंग्स में आवाजें हैं, जितनी भी किस्म की आवाजें हैं वो इसको सेंस कर सकता है और वो सुन सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मैं इसकी एक वीडियो देख रही थी, उसमें ये एक बंदे से इंटरेक्ट कर रहा था, और जैसे हमारी वीडियो में भी पिक्चर में भी अभी दिखाया था कि इसके हाथ में फूल है, ये वो उस बंदे को जाके फूल प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और आगे से वो इसको कह रहा है कि यू आर लुकिंग वेरी नाइस एंड दिस फ्लावर इज़ फॉर यू, ठीक है। अब वो उसके रिटर्न में उसको कह रहा है कि अच्छा, उसी पे इसकी किसी बात पे जो ना वो लोग जो हैं क्राउड तालियां बजाते हैं, तो ये उसको सेंस करके कहता है कि ओ आई माइट हैव सेड समथिंग रियली गुड, आई एम बीइंग अप्रिशिएटेड। ये चीज भी सेंस हो गई है कि अच्छा, लोगों ने अगर इस पे रिएक्ट किया इस तरह, पीपल आर वेरी हैप्पी, ही कुड हियर द चीयर्स, तो उसको ये भी हुआ कि अच्छा मैंने कुछ बहुत ही। मैं आपको बताऊं, सबीन का सवाल मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, मैं उसको रिपीट करना चाहूंगा की लोड पे इसी, मतलब इंसान का मैं 7-8 अरब इंसान अब हो गए हैं, तो कम है कि मतलब आपने खुद एक चीज, लेकिन इंसान की अपनी जो ये चीज है ना कि मैं अपने जैसा खुद तख्लीक करूं बनाऊं, असल में ये वो
वो खोज है, वो जो हम तो कहते हैं सितारों पे कमंदे डालना। इंसान का जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, वो इंसान खुद है, क्योंकि रब की सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ी क्रिएशन है, और यही इंसान को बॉदर करती रहती है कि मैं अपने जैसा कब बनाऊंगा। और वो क्यूरियोसिटी कि लोग जो है ना, सबसे पहले जो नॉर्मल रोबोट्स आए थे, उसके बाद इन्होंने इमोशंस डाले कि अच्छा इस तरह की चीज़ें होंगी, फिर सराउंडिंग की वॉइसेस रिकॉग्निशन है, फिर ये एआई जो खुद से जवाब दे रहा है वो, और ह्यूमन की तरह वॉकिंग जॉइंट्स बनाना, और वो सारा कुछ जैसे आपने कहा ना अशरफुल मखलूकात जो है वो डिज़ाइन करने के इसमें, तो ये सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मल ह्यूमन से ही इम्प्रेस होके जो है वो चीज़ें बनाए और कंस्ट्रक्ट करे। ये मार्केट में कब आ रहा है मुझे ये बताएं अभी। अच्छा, ये तुम्हारे इरादे क्या है तुम? ये मार्केट घर के काम करवा लो, घर के काम करा लेकिन देख लो कि 84 इमोशन सेंस कर लेता है ये। बिल्कुल, हाँ, ये तुम्हारे सारे इमोशन सेंस कर लेगा, और सेंस करके आपकी बात सुन के किसी दूसरे को भी बताता है। इससे मुझे ना वो सबीन की एक चीज याद आ गई, वो गुगलू वाली ना, कि सबीन को उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये काफी शो में नहीं, ठीक है शो में क्या इंसान घर बैठ के राइजिंग पाकिस्तान नहीं देख सकता। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने रिपीट पे देखा। अच्छा जी, थर्ड क्या है जी आज? थर्ड हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक प्राउड मोमेंट जिसे कहते हैं, अभी 75वीं सालगिरह जो है गुजरी है पाकिस्तान की, और उस पे जो है वो पाकिस्तान ने एक इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है। नूरी 75। अच्छा जी, जबरदस्त, ब्यूटीफुल, कलर तो बहुत ही खूबसूरत है। और इसका ये है कि इसमें जो है आपके जो 60-80% जो पार्ट्स हैं वो लोकली डिजाइंड है, और जो आपकी लिथियम बैटरीज या बैटरी से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो आप सिर्फ इंपोर्ट कराते हो, लेकिन ये जो है ये टोटली जो है वो पाकिस्तान ने डेवलप की है। अब तो पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ तेजी से बढ़ रही है। लोग तो अब यूज भी करना शुरू हो गए, मतलब बहुत आम हो गई है बहुत सारे ममालिक में। और आपको मैं बताऊं, यूरोप में खासतौर पे इंग्लैंड में तो बहुत से शहरों ने बहुत से अपने इलाके डिमार्केट कर दिए हैं कि 2030 के बाद वहां पे सिर्फ इलेक्ट्रिक कार की ही एंट्री हो सकेगी। तो इसलिए बहुत तेजी से, लेकिन इसका जो इंटरनेशनली बहुत बड़ा चैलेंज है वो इसकी चार्जिंग है, कि चार्जिंग पंप्स जो हैं इस वक्त अमेरिका कनाडा हो चाहे वेस्ट हो यूरोप हो, वो अभी इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं कि चार्जिंग पंप्स उतने नहीं अवेलेबल जितनी गाड़ियों को इनकरेज किया जा रहा है। तो ये अभी लोग आ रहे हैं इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ, लेकिन ये थोड़ा सा चैलेंज भी है। हाँ, इसके साथ साथ ये स्टार्ट में ये था कि लोग फुली डिपेंडेंट थे ना, इवन फॉर पार्ट्स, कि वो कहते थे अच्छा नहीं ये वाली गाड़ी नहीं खरीदनी, इसके पार्ट्स इधर अवेलेबल नहीं है। exactly. ये वाली भी एक बहुत गैप था ना। हाँ. तो इसका थोड़ा सा ये है कि इसमें जो मेन बैटरीज या इस तरह की चीजें हैं जो बहुत सारे ममालिक ऑलरेडी खरीद रहे हैं अपनी गाड़ियाँ बनाने में, तो वो भी ये उसी पर डिपेंडेंट है, और आराम से अवेलेबल होगा, और ये कमर्शलाइज की जाएगी 2024 में। अब ये इतनी आम भी हो जाए और सबके लिए अफोर्डेबल भी हो, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और ये ग्लोबली भी अगर देखा जाए तो ये दाम इसी वजह से लिया गया था कि जो है किसी तरह से कार्बन को हम कम कर सकें और पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। हमारा थैंक यू सो मच, हमेशा की तरह बहुत अच्छी हैरान कुन चीज़ें आप हमारे लिए लेकर आई हैं, लेकिन इसके बाद भी मैं आपसे पूछूंगी, ज़रा थोड़ी इस पर रिसर्च करके आइएगा कि ये रोबोट क्यों आखिर बना क्यों था, ठीक है, इसकी ज़रूरत क्या थी, ये जवाब हमें नहीं मिला। थैंक यू। जब हम बढ़ेंगे सोशल मीडिया सेगमेंट के जाने, सबसे पहले प्रोग्राम में पिक्चर शामिल करेंगे। शेर मोहम्मद ने गिलगित बल्तिस्तान से पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं। जी, ब्यूटीफुल पाकिस्तानी फ्लैग, बिल्कुल, और हमने कहा था ना कि 14 अगस्त का तक ही ये जो सेलिब्रेशंस हैं ये वहीं तक नहीं लिमिट होती है, बल्कि लोग आगे भी हमें भेज रहे होते हैं। लेकिन शेर मोहम्मद, आपसे हम कहेंगे कि आपने बिल्कुल ठीक है, आपने लिखा शेर मोहम्मद गिलगित बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान इतना बड़ा है, इतना खूबसूरत है, जरा एक्चुअल कोई अपने गाँव का, गोट का, इलाके का, ये कौन सा पहाड़ी सिलसिला है, कहाँ, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी अगर आप दिया करें ना तो ज्यादा मजा आएगा तस्वीर देखने का। बहरहाल शेर मोहम्मद, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें तस्वीर भेजी। मजर उस्मान ने मरी से हमें पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं, भूरबन से पिक्चर्स आई हैं। अच्छा, भूरबन, देखे ना जी, एग्जैक्टली, अब आप मरी कहते हैं तो हम कहते हैं जी मरी भी इतना बड़ा है, भूरबन की ये तस्वीर है, ब्यूटीफुल जी, वेरी नाइस। आज जिस तरह इस्लामाबाद, अच्छा एक ही तस्वीर थी, लो मतलब सिर्फ प्रोमो चलाया नूर मोहम्मद, है ना। थैंक यू सो मच जी। एहसान एन खतीजा ने हमें पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं, पेंटिंग की पिक्चर्स हैं, दोनों ने मिलके भेजी, क्या दोनों बहनें हैं, क्या कजिन्स हैं, क्या फ्रेंड्स हैं? नहीं, एहसान बहन तो नहीं हो सकती। अच्छा, एहसान मेरे छोटे से तजुर्बे की रोशनी में एहसान अमूमन साहब ही होते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, नो कॉमेंट्स, या कजिन्स हो सकते हैं, या हस्बैंड एंड वाइफ हो सकते हैं, या बहुत प्यारी पेंटिंग थी, खूबसूरत पेंटिंग थी। अच्छा, वो सारे एहसान और खदीजा के चक्कर में इतनी खूबसूरत तस्वीर हमने इग्नोर कर दी, लेकिन वाकई बहुत अच्छी थी।
तस्वीर, लेकिन अगेन आपने जगह का नाम नहीं बताया। हाँ, तो जगह का नाम थोड़ा सा बताएं, क्या करते हैं, एहसान की उम्र क्या है, आप क्या पढ़ रही हैं, पढ़ रहे हैं, खदीजा पढ़ रही है, एहसान पढ़ रहे हैं, या जॉब करते हैं, आर्ट को प्रोफेशनली लेके चलना चाहते हैं, थोड़ी सी अपनी डिस्क्रिप्शन जरूर बताया करें ताकि हम भी आपको दिल से और गहराई में जाके और समझ के मुबारकबाद दें। वरना तो सबीन कहती बहुत अच्छी तस्वीरें हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग थी, बहुत अच्छी ग्रीनरी थी, बहुत अच्छा मौसम था। अच्छा जी, आगे क्या? साहिवाल से पिक्चर्स भेजी, आइए देखते हैं तैयब ने क्या भेजा है। लो जी, साहिवाल की सैर कर रहे हैं, ब्यूटीफुल जी, देखें वो पाकिस्तान का, सबीन जो है वो परचम बुलंद कर रही है, साथ छोटे से तौसीक अंकल भी खड़े हुए। वेरी गुड, 14th August, Happy Independence Day, वाह जी वाह। देखें 14 अगस्त अब गुजर गई है, लेकिन जैसे अभी सबीन कह रही थी कि ये पूरा महीना ही हम मना रहे हैं अपनी डायमंड जुबली का, और साथ साथ आपकी तस्वीर इतनी ज्यादा तादाद में आई है कि अभी तक हम उनको शो में शामिल कर रहे हैं। बिल्कुल जी, प्रोग्राम में अब हम मैसेजेस शामिल करेंगे। सवेरा ने चित्राल से मैसेज भेजा है, सवेरा कहती है अस्सलाम वालेकुम, सुबह का पहला सलाम राइजिंग पाकिस्तान के नाम, तौसीक अंकल और सबीन आपी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप जो भी जो अपने नाज़रीन को घर बैठे अक्सर शो के दौरान या शो के आखिर में कोई आप टास्क देते हैं, उससे हमें अपनेपन का एहसास होता है और हम खुद को जानने की कोशिश करते हैं और राइजिंग पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा करीब समझते हैं। सो इसलिए आपका बहुत शुक्रिया, और ये टास्क भी हम इसी वजह से देते हैं। जी बिल्कुल, वो टास्क हम दें तो आपको बड़ा अपनेपन का एहसास होता है। जब अम्मा कहती हैं कि दो चलो मटर छील के दो मुझे, फटाफट ठंडिया पकानी, तब अम्मी मैं किधर, अच्छा अम्मी की टास्क आपको ना, तो आज हमारी आज हमारी टास्क है कि घर में जो मटर आ रहे हैं वो आपने छीलने हैं और अम्मी के साथ या बहन के साथ उनको पका के उनकी तस्वीर खींच के और प्याज भी काटना है, प्याज अम्मी के हवाले नहीं करना, प्याज भी काटना है। तो ये टास्क जो है ना अब इस तरह के शुरू होने लगे, अब बताओ अपनेपन का एहसास हो रहा है कि नहीं? फंस गए। थैंक यू सो मच, सवेरा ने सबको फंसा दिया। सवेरा थैंक यू सो मच। मदीहा ने एबटाबाद से मैसेज भेजा है, मदीहा कहती है अनाया के सेगमेंट में आप अकेले नहीं थे, मैं तौसीक सर आपके साथ गेस्ट कर रही थी और मैंने सारे के सारे गेस कर लिए थे। वो अलग बात है कि मेरी आवाज़ जो है वो आप तक नहीं पहुंच सकी थी। देखिए मैं भी कह रही थी आपकी हेल्प करी, मेरी आवाज़ भी आप तक नहीं पहुंच रही थी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। भाई अनाया तो माशाल्लाह लमिया उसको सेहतमंद और भरपूर जिंदगी से नवाजे और खुश रखे, इतनी जहीन बच्ची है कि वो हमेशा आके हमें लाजवाब कर देती है, हमारे पास जवाब नहीं होता, लेकिन आई एम हैप्पी कि आपने उसके जितने जो ट्रिक्स थी ना वो आप उन तक पहुंच गए। तौसीक अंकल तो नहीं पहुंच सके। मैंने सब गेस कर लिया था, मैं ऐसे बता रही थी और तौसीक को आवाज नहीं आ रही थी मेरी। अच्छा जी, दुआ जिशान ने आजाद कश्मीर से मैसेज भेजा है, दुआ कहती है सलाम तौसीक भाई सबीना पे आप दोनों के लिए। वो कहती है कि क्या आप फिट हैं, एनर्जेटिक हैं, लिख के भेजे उन्होंने, फिट हैं, एनर्जेटिक हैं, क्या बात है आपकी। ओपनिंग सेगमेंट में आप रोजाना जो खूबसूरत बात करते हैं, ये जो आप जो ओपनिंग की बात करेंगे, जो आप खूबसूरती से प्रोग्राम का आगाज करते हैं, कभी पॉजिटिविटी की बात करते हैं तो कभी बच्चों के हवाले से पैगाम देते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। दुआ बहुत बहुत शुक्रिया, जीती रहिए। और आप भी अगर किसी टॉपिक पे हमारी तवज्जो दिलाना चाहें, जो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में बाज़ार में जाते हुए, दफ्तर जाते हुए, स्कूल कॉलेज जाते हुए, सोसाइटी में जब हम रहते हैं, आप भी किसी मसले की तरफ निशानदेही करना चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें ज़रूर बतलाइए, हम उस इशू को प्रोग्राम में शामिल करेंगे या उस इशू से जुड़ा कोई एक्सपर्ट, कोई माहिर अपने मेहमान के तौर पे भी जरूर बुलवाना चाहिए। बिल्कुल। और तौसीक, आज के मैसेजेस की मैं बात करूंगी, ये मैसेजेस हैं प्रोडक्टिव मैसेजेस, इनका हमें इंतजार होता है कि सेगमेंट्स पे फीडबैक, आपने क्या देखा, किससे आपने क्या सीखा, और वो जो आपने आज ओपनिंग में भी बात की कि अगर आप डिसएग्री करते हैं किसी बात से तो वो भी आप हमें जरूर बताएं कि आपकी इस बात से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, तो उसको भी हम एक्सेप्ट करेंगे, उससे हमारे लिए भी हम एक दूसरे से सीख रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जनाब चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वो जो शुरू में जिन रफीक अंकल की हम बात कर रहे थे वो पहुंच चुके हैं, मोहतरम अरशद महमूद साहब, और मैं और सबीन बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि उनके साथ नशिस्त की जाए, गप लगाई जाए। कोई टॉपिक नहीं है, कोई सवाल जहन में नहीं है, वो ऐसी शख्सियत है कि बस कहीं से ही हम शुरू हो जाएंगे, है ना जी।